मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर आसीन हमारे साथ मंजवानी जी अग्रवाल साहब। आज हमारे बीच में एक अतिथि के रूप में रीवा से आए हुए हमारे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, हमारी मंत्री इमरती देवी जी और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त केवल शिक्षक गण नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मां सरस्वती के अवतार के रूप में हमारे समस्त सब हमारे शिक्षक बैठे हैं। वर्तमान में जैन समाज का क्षमावाणी का पर्व है। कई कारणवश मैं थोड़े विलंब में आपके बीच में मैं पहुंचा हूं, तो मैं अपने सारे शिक्षकों से क्षमावाणी की मांग रखता हूं। अभी पंजवानी जी ने बहुत कुछ कहा शिक्षकों के बारे में, और उसी तारतम्य में मैं कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि जिंदगी में दो ही श्रेणी के इंसान हैं इस दुनिया में जिनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज सेवा, शिक्षक एवं चिकित्सक। अगर हमारे अगली पीढ़ी स्वस्थ हो और शिक्षित हो तो फिर हमारी अगली पीढ़ी केवल अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएगी, लेकिन अपने समाज का निर्माण कर पाएगी, अपने प्रदेश का और अपना देश का भी निर्माण कर पाएगी। और बचपन से हम सब, चाहे पंजवानी जी हो, अग्रवाल साहब हो, सिद्धार्थ जी हो, इमरती जी हो, आप लोग हो, शिक्षक के रूप में आज, लेकिन हम सब बचपन में अपने शिक्षकों से प्रभावित हुए। घर में रोल मॉडल होता है माता या पिता, स्कूल में रोल मॉडल होता है शिक्षक। और आज मैं पत्रिका को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे रोल मॉडल शिक्षकों को आप लोग सम्मानित करते हैं। जिंदगी में दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि जो महीने के अंत पे हम लोगों को तनख्वाह मिलता है, जिंदगी भी गुजारनी पड़ती है, तनख्वाह में वृद्धि होती है तो हमें अच्छा लगता है। सांसदों की तनख्वाह में तो कभी कई सालों से वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जब व्यक्ति को लगे कि जिस संस्था के लिए वो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस संस्था में सदैव कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, मोटिवेशन ऑन द जॉब। और दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, शायद आप में से किसी ने उसका नाम भी सुना होगा, मैकिंजी करके। तो मैकिंजी ने विश्व के सबसे बड़े 1000 मल्टीनेशनल कंपनियों का एक स्टडी किया कि वहां के जो लोग हैं उस कंपनी में 10 साल से 15 साल से क्यों रहते हैं, और इन दोनों पैरामीटर्स को उन्होंने महत्व दिया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन,
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और मैथमेटिक के अगर कोई यहां मेरे शिक्षक हो, मैथमेटिक्स कोई शिक्षक हो, तो एक रिग्रेशन इक्वेशन, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को कोएफिशिएंट दिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक रिग्रेशन किया और उन्होंने पाया कि जो सफल फर्म्स हैं, सफल कंपनियां जिनकी साल प्रति साल वृद्धि हो रही, तरक्की हो रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, प्रोडक्ट सेल में वृद्धि हो रही है, उपभोक्ताओं में वृद्धि हो रही है, उन कंपनियों ने ज्यादा महत्व, मतलब कोएफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का हायर है, ज्यादा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के जरिए में, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के जरिए में नहीं। इसका क्या मतलब कि जो घर में जो पैसा आता है वो एक सीमा तक महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि व्यक्ति अपने कार्य में सदैव कुछ ना कुछ नया सीख रहा है कि नहीं, उसका लर्निंग कर्व कितना स्टीप होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आपकी जो जिम्मेदारी माता पिता के रूप में उस स्कूल में, कि उन बच्चों का लर्निंग कर्व आपको इतना स्टीप रखना है। और मेरे जमाने में इतना, या पंजवानी जी के जमाने में या अग्रवाल जी के जमाने में इतना मुश्किल नहीं होता था। किताब खोलो, चैप्टर पढ़ो, एक्सरसाइज करो, होमवर्क करो, कल आओ, सबमिट करो। आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल, क्योंकि बच्चा का अटेंशन, आकर्षण स्थिर रखना आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल काम हो गया। सबके हाथ में ये डब्बा आ गया है, घर जाके वो डब्बा आ गया है, और आजकल के बच्चे तो 15-16 साल में अध्यापक को पढ़ाने लगते हैं। सर या मैडम कुछ कहती हैं क्लास में, बच्चे कहते हैं, पर ये भी है क्योंकि हमारे बच्चों के हाथ में, जो हमारे जमाने में नहीं था, आपके जमाने में नहीं था, सूचना तंत्र हमारे हाथ में आ गया। और सूचना तंत्र वो तिजोरी है जिसे अगर खोल दिया तो दुनिया आपके हाथ में आ जाता है। तो इसलिए आपकी चुनौती वर्तमान के जगत में और महत्वपूर्ण हो गई, और इसलिए बच्चों का अटेंशन रखना, उनको कुछ नया सिखाना, आपको भी ऑर्थोडॉक्स के बदले में अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम अपनाना होगा। उदाहरण के तौर में मैंने सिंधिया स्कूल में कहा कि हम लोग किले में स्थापित, हिस्ट्री का क्लास हो, ज्योग्राफी का क्लास हो, तो वो क्लासरूम में क्यों? इतिहास और ज्योग्राफी तो किले के चारों तरफ है, बच्चों को किले के किसी कोने पे ले जाओ और हिस्ट्री और ज्योग्राफी वहां पढ़ाओ। नए सिस्टम मैथमेटिक्स में, नए तरीके साइंस में हम लोगों को अपनाने होंगे, और जिस तरीके से आपको नए सिस्टम अपनाने होंगे उसी तरह सरकार को भी आपके प्रति भी नए सिस्टम अपनाने होंगे। और आपके लिए जो मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होने चाहिए, जहां आपको भी हर 3-4 महीने कुछ नया सीखने के लिए मौका मिले, नए तरीके से काम करने का मौका मिले। क्योंकि जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तब तक आप सिस्टम को चेंज नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी कठिनाई और गति अवरोधक आज जिंदगी में है जो सिस्टम लेटेंट होता है। हमारे पूर्वजों ने हमको ऐसे सिखाया तो हमको भी ऐसे ही सिखाना है।
हिंदुस्तान और विदेश में सबसे बड़ी अंतर क्या है? लर्निंग यहां सिखाया जाता है हमको व्हाट टू थिंक, वहां सिखाया जाता है हाउ टू थिंक। आप लोगों को भी सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने बच्चों को सिखाना हाउ टू थिंक, कैसे एप्लीकेशन करना जो थ्योरी सिखाया जाता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आश्चर्यचकित था जब मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए हार्वर्ड गया था अमेरिका में, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट मेरे एमबीए के लिए मैं स्टैनफोर्ड गया था। कॉन्सेप्ट ओपन बुक एग्जाम, यहां तो सब फॉर्मूला रट के जाना पड़ता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सब रट के जाना पड़ता है। वहां ओपन बुक एग्जाम, सब फॉर्मूला खोल के रखो, तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम है फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करोगे। तो ये अंतर है बिटवीन व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक, ये हमारे लिए आज देश में सबसे बड़ी चुनौती है। पर आज के दिवस पर मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, हमारे ग्वालियर के शिक्षक जगत के नवरत्नों को पत्रिका ने चुनकर सम्मानित करने का दायित्व लिया है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी शिक्षकों को हम सम्मानित कर रहे हैं उनमें से ज्यादा तादाद में हमारी महिलाएं शिक्षक हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर शिक्षक जगत में मेरी महिलाएं आगे हो सकती हैं, और वैसे भी रिजल्ट्स में भी सदैव बच्चियां आगे होती हैं, तो इस देश में भी महिलाओं को हमको आगे करना ही होगा, तभी देश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।